फ्रेंड्स, दिस इज़ आंचल श्रीवास्तव। वेलकम टू TCS Academy। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ऐसा रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जब भी प्राणी के सामने किसी भी तरीके का उद्दीपक रखा जाता है, किसी भी तरीके का स्टिमुलस रखा जाता है, तो प्राणी हमेशा एक तरीके की अनुक्रिया करता है, और जब वो अनुक्रिया सही होती है तो उससे एक प्रकार का संबंध बना लेता है, और इसीलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का मतलब यही था कि जब भी प्राणी किसी भी उद्दीपक के साथ मिलकर या उसके लिए किसी भी तरीके की अनुक्रिया करता है तो उससे उसका एक तरीके का संबंध बन जाता है, और भविष्य में भी उसी तरीके की अनुक्रिया करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, इसके जो की पॉइंट्स हैं, पहला ये कि इसे SR रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा ये कि इसे ट्रायल एरर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायल एरर फिनोमेना में थॉर्नडाइक ने ये बताया कि इसमें दो तरीके की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें जो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, पहला है कनेक्शन का और दूसरा है सिलेक्शन का। पहला है संबंध का नियम और दूसरा है चयन का नियम। इसको इस तरीके से समझेंगे कि चयन की प्रक्रिया में जो प्राणी होता है वो खास तरीके की अनुक्रिया का चयन करता है, और उसके बाद उससे एक तरीके का संबंध यानी कि कनेक्शन स्थापित हो जाता है। इसीलिए थॉर्नडाइक ने कहा कि इस प्रक्रिया में ये दो प्रक्रियाएं होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, एक संबंध का नियम और दूसरा जो है वो चयन का नियम। और इसी के बाद जब वो किसी भी तरीके की प्रक्रिया का चयन करता है, अनुक्रिया का चयन करता है, और उससे संबंध बनाने के बाद उससे एक तरीके का पुनर्बलन मिलता है, जिसके बाद उसका जो SR मीन्स उद्दीपक और अनुक्रिया है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में तीन और भी थ्योरीज बताई जो कि इस प्रकार है। पहला है तत्परता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने ये कहा कि कोई भी जो प्राणी है वो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले तत्पर होता है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले वो रेडी होता है, और उसी के बाद वो उस काम को करता है। इसमें तीन कंडीशन थी कि पहला ये कि प्राणी जो है अगर किसी काम को करने के लिए तत्पर है और वो काम उसे करने को दिया जाता है तो उसके अंदर एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन आता है। दूसरा ये बताया कि अगर प्राणी किसी काम को करने के लिए तत्पर है और उसे वो काम करने को नहीं दिया जाता है तो उसके अंदर एक तरीके का डिससैटिस्फैक्शन आता है। जैसे कि हम ऐसे समझेंगे कि हमें अगर कोई काम करने का मन है और वो काम हमें करने को नहीं दिया जाता है तो उस टाइम हमारे मन में एक तरीके का डिससैटिस्फैक्शन होता है,
और अगर वही काम हमें करने को मिल जाता है तो वहाँ पे हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होते हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि अगर प्राणी जो है वो तत्पर नहीं है और उसके बाद भी वो काम करने को उसे दिया जाता है तो वहाँ पे भी डिससेटिस्फैक्शन वाली ही स्थिति आ जाती है। ये हो गया तत्परता का सिद्धांत। अगर प्राणी तत्पर है, उसे वो काम करने को दिया जाता है तो वहाँ वो सेटिस्फाई होगा। अगर प्राणी तत्पर नहीं है और फिर भी उसे काम करने को दिया जाता है तो वहाँ पे डिससेटिस्फाई होगा। अगर वो तत्पर है और काम करने को नहीं देते हैं तो भी वहाँ पे वो डिससेटिस्फाई होगा। दूसरा थंडाइक ने जो सिद्धांत बताया वो था अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत से थंडाइक का मतलब ये था कि एक जनरली अगर हम देखें तो परफेक्शन हमेशा अभ्यास से ही आता है। हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उससे प्राणी परफेक्ट ही होता है। तो इस वजह से अभ्यास का सिद्धांत ने उन्होंने ये बताया कि मोर एक्सरसाइज इंस मोर परफेक्शन। उसके बाद जो तीसरी थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी वो थी प्रभाव का सिद्धांत या प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने ये कहा कि प्रभाव का नियम जब लागू होता है तो प्राणी जिस काम को करने में सेटिस्फाई होता है उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि वो दोबारा उस काम को करने में लग जाता है। वो भविष्य में भी उस काम को करने के लिए तत्पर रहता है। अगर वो काम उसे खुशी नहीं देती है, वो डिससेटिस्फैक्शन वाला काम होता है तो वो काम प्राणी दोबारा करने के लिए तत्पर नहीं होता है। तो प्रभाव का जो नियम है थॉर्नडाइक ने इसी रूप में बताया। तो हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा। अब इसके बाद हम आते हैं स्किनर की थ्योरी का जो बचा हुआ पोर्शन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसका पार्ट टू। तो स्किनर की थ्योरी में हमने कुछ चीज़ें पहले कवर कर ली थी और कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं। स्किनर ने रीइन्फोर्समेंट की बात की। और उसके बाद इन्होंने स्केड्यूल ऑफ रीइन्फोर्समेंट बताया। स्केड्यूल ऑफ रीइन्फोर्समेंट से स्किनर का तात्पर्य ये था कि जब भी प्राणी को किसी अनुक्रिया पे जब हम उसे पुनर्बलित करते हैं तो वो किस चेन में होता है, किस शेड्यूल में होता है, वो देखने के लिए हमने स्केड्यूल ऑफ रीइन्फोर्समेंट को बताया। पहला उन्होंने बताया कि एक चीज़ वो होती है कि जब भी प्राणी कोई अनुक्रिया करता है तो हम उसके सभी अनुक्रिया पे उसे पुनर्बलित करें। मीन्स जो रिवॉर्ड है, जो पुरस्कार है, वो हर उसकी अनुक्रिया पे हम उसको देते जाते हैं। उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस रीइन्फोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइन्फोर्समेंट मीन्स उसके सभी जो भी परफॉर्मेंस है उस पर उनको पुनर्बलित करना, उस पर उनको रिवॉर्ड देना। और दूसरा जो था वो है पार्शियल। पार्शियल रीइन्फोर्समेंट में स्किनर ने बताया कि सभी अनुक्रिया पे उसे रिवॉर्ड ना दे करके कुछ पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ पर्टिकुलर सही अनुक्रिया पे उसे हम रीइन्फोर्स करते हैं। पार्शियल रीइन्फोर्समेंट में उन्होंने चार तरीके के स्केड्यूल बताए। पहला था फिक्स्ड, का मतलब हुआ कि एक निश्चित समय
और निश्चित अनुक्रिया। फिर वेरिएबल में अनिश्चित समय और अनिश्चित अनुक्रिया। उसके बाद इन्होंने बताया इंटरवल। इंटरवल में स्किनर ने कहा कि इसमें जो रीइन्फोर्समेंट का जो आधार होता है, जो पुनर्बलित करने का जो आधार होता है, वो सही अनुक्रिया नहीं बल्कि सही समय होता है। सही समय होता है। उसके बाद चौथा इन्होंने रेशियो की बात की। रेशियो में स्किनर ने कहा कि जितनी बार वो सही अनुक्रिया करेगा उतनी बार उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। एक बार और देखते हैं। फिक्स्ड में क्या कहा कि फिक्स्ड में एक निश्चित समय होगा और एक निश्चित अनुक्रिया होगी, उसे सही अनुक्रिया और सही समय पर ही रीइन्फोर्स किया जाएगा यानी पुनर्बलन दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया कि वेरिएबल में समय भी अनिश्चित हो सकता है, जैसे कि किसी समय पे उसे दिया गया और किसी समय पे उसे नहीं दिया गया, अनिश्चित अनुक्रिया भी रहती है। हो सकता है कि उसे सही अनुक्रिया करने पे दिया जाए और हो सकता है कि उसे सही अनुक्रिया करने पे ना दिया जाए बल्कि किसी गलत अनुक्रिया करने पे दिया जाए। उसके बाद इंटरवल की जब बात करते हैं तो इंटरवल में सही अनुक्रिया नहीं बल्कि जो रीइन्फोर्समेंट का जो टाइम होता है वो सही समय होता है। रेशियो में वो जितनी बार सही अनुक्रिया करेगा उतनी बार उसे रीइन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे, इन चारों के बेसिस पे चार तरीके के जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्केड्यूल बने वो कुछ इस तरीके से थे। स्किनर ने बताया कि जब फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल की बात करते हैं तो इसमें इसका आधार जो होगा एक निश्चित समय होगा, ना कि एक निश्चित अनुक्रिया होगी, एक निश्चित समय होगा। फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी मंथली किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो वो फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल में होती है। फिक्स्ड इंटरवल मतलब फिक्स है कि उसे एक माह में, एक महीने में उसे सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे उसने अपना पूरा काम किया हो या ना किया हो। इसी तरीके से अगर चाइल्ड पेडागॉजी में देखें तो एक बच्चा है, उसे उसकी पॉकेट मनी एक महीने के हिसाब से उतनी ही मिलेगी जितनी की मिलती है, भले ही उसने उसके रिवॉर्ड कुछ कम हुए हो, उसने कुछ गलतियां करी हो या उसे किसी तरीके का पनिशमेंट मिला हो, फिर भी उसे उस अगर 100 रुपये उसकी पॉकेट मनी है तो उसे 100 रुपये मिलती ही मिलती है। तो एक ये फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल हो गया। ठीक, और जो दूसरा है वो है वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल। यहाँ पे जो समय है वो निश्चित नहीं होता है, वो हमेशा वैरी करता रहता है। एक निश्चित समय अंतराल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्किनर ने जो तीसरा स्केड्यूल बताया वो था फिक्स्ड रेशियो।
सेक्स रेशियो स्केड्यूल में स्किनर ने ये कहा कि इसमें एक निश्चित रेशियो पे जितनी बार वो सही अनुक्रिया करेगा उतनी बार उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक बच्चा है वो अगर अपने सारे काम बहुत अच्छे से करता है, जैसे कि एक एग्जांपल लें कि अपने बच्चे को माता पिता ने कहा कि तुम्हें अपना कमरा साफ़ करना है, तो वो हर दिन जितनी बार वो अपना रूम साफ़ करता है उसके हिसाब से उसे पुनर्बलित किया जाता है, उस हिसाब से उसे कुकीज़ या बिस्किट्स दिए जाते हैं। तो ये एक फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल का एक एग्जांपल हो गया। ये स्किनर ने ये बताया कि प्राणी और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बना है उसमें ये फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल सबसे ज़्यादा हाई अनुक्रिया, सबसे ज़्यादा उच्च अनुक्रिया पे लागू होता है, मीन्स ये सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ पे लर्निंग बहुत ही हाई होती है, बहुत ही उच्च दर की लर्निंग यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए एग्ज़ाम में ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा उच्च दर किस स्केड्यूल में मिलता है, तो फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल में सबसे ज़्यादा उच्च दर होता है। उसके बाद चौथा स्केड्यूल जो बताया गया वो वेरिएबल। वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल, इसमें जो सही अनुक्रिया है वो भी वैरी करता है, मतलब किसी सही अनुक्रिया पे उसे पुनर्बलन दिया जाएगा और किसी सही अनुक्रिया पे उसे पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्किनर ने चार तरीके के अपने स्केड्यूल बताए। इसमें पहला था फिक्स्ड इंटरवल, दूसरा वेरिएबल इंटरवल, तीसरा फिक्स्ड रेशियो और चौथा है वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल।